अज पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी गुरुद्वारा तौड़ साहब के नमस्तक होने वास्ते आए हैं तो गलबात करने की कोशिश करांगे कि सर अज पहुंचे गुरुद्वारा साहब के विच की कहोगे सर अज मैं रतवाड़ा साहब गुरुद्वारा साहब के विच मत्था टेकन आया संतां दे दर्शन किए आशीर्वाद लिता उन्हों का मैं बड़ा धन्नवादी हाँ बड़ा प्यार संतान ने मैनू दिता है थैंक यू जी लिस्ट जारी की है की कहोगे कई थोड़े आगू जो विरोध भी कर रहे हैं चलता रहता है पार्टियां ठीक है बिल्कुल तुम देख सकते हो कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जिन्होंने वालों अज गुरद्वारा साहब के नमस्तक होए ने तस्वीर दिखा रहे हैं सीधियाँ कि बाबा लखबीर सिंह जी मिल के आए ने तो अंदर बंद कमरा भी मीटिंग हुई है की गलबात हुई है बाबा जी तो उन्होंने आशीर्वाद लिया है तो अज चोणों को लेकर दस दें पंजाब के थलथली मिची हुई है दस दें तस्वीर थानू सीधियाँ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी तस्वीर दिखा रहे हैं सीधियाँ रंधावा रंधावा साहब साढ़े नाल ने तो गलबात करने की कोशिश करा रंधावा साहब आ जाओ बाबा जी कर लो हाँ हाँ तो रंधावा साहब रंधावा साहब रंधावा साहब की कहोगे तुम जा रहे हो सीएम थोड़े करके आए ने हाँ जी तो की कहोगे अज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे रतवाड़ा साहब के नमस्तक होए ने बंद कमरा मीटिंग भी हुई है की मामला बंद कमरा कोई मीटिंग नहीं हुई जी महापुरशां दा आशीर्वाद लैण आए सीगे महापुरशां दा आशीर्वाद लैण आए सी हर एक नूं हक है जिहड़े साडी कौम दे महान जिहड़े महापुरश है संत महाराज उन्हां दा आशीर्वाद लैण दा हर एक नूं हक है तो ये साडे सी एम साहब है इन्हां दा हलका भी आही है नेड़े दा नेड़े रहिंदे है तो फिर ये तो जानी आना असी पुराने जुड़े हुए हैं जो बाबा ब्रयाम सिंह होंगे सी बड़े बाबा जी उन्होंने नाल जुड़े हुए हैं उन्होंने तो ये अक्सर आते जाते जाते हैं यही जी कोई लेके हुई गलबात नहीं चोणां नूं लैके कोई सियासी टिकट नूं लैके नहीं नहीं कोई सियासी गल नहीं किसी नाल भी हुई किवें देखदे हो कि आशीर्वाद लैणा सीगा ओह सीएम बनण तों बाद पहली बार आए सी जिहड़ी एमएलए तां आंदे रहिंदे सी पहलां मिनिस्टर आंदे रहिंदे सी सीएम बनण तों बाद अज पहली बार आए सी बस आशीर्वाद लैणा 2022 नूं लैके लगदा कि मुड़ के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी होणगे बिल्कुल जितांगे 100% सपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल क्यों नहीं करते जी मैं सब सपोर्ट कर रहा मैं अज नाल उहनां दे शामिल होया मैं पहलां किसान लीडर सी और अकाली दल का भी बड़ा लीडर रहा सीनियर मीत प्रधान रहा तो अज मैं जानी चरणजीत सिंह चन्नी जी की अगवाई च कांग्रेस ज्वाइन की है किसानों की पार्टी क्यों नहीं चंगी लगी नहीं चंगी सारिया कौन कहता चंकी नहीं लगी किसान देखो सियासी लड़ना नहीं किसान ने तो असी इस करके फिर थोड़ा जा उस गल तो जानी वो हट गए हूँ साडा जिहड़ा योगदान सी अंदोलन दे विच सीगा हुण अगे तो फिर हुण कोई इदां दी गल नहीं है सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दे विच की खासियत देखी कि तुसी होर पार्टी छड्ड के जिहड़ी हुण कांग्रेस 2022 नूं लैके चोण लड़ रही है तां की खासियत देखी तुसी कांग्रेस ज्वाइन कर ली मैं कहा जी जिहड़ी खासियत चरणजीत सिंह चन्नी च है उह किसी च है ही नहीं असी किन्ने मुख्यमंत्री देखे हुण तक किन्ने मुख्यमंत्री देखे जिहड़ी क्वालिटी इन्हां च है आ तिना महीनिया जिन्होंने दिखाता जिदा एक फिल्म नहीं सी आई अनिल कपूर की जिदे च भी एक दिन का मुख्यमंत्री बनया अनिल कपूर उन्हें सारा सिस्टम बदल के रखता सी पूरी जनता इदा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी उन्हें 3 महीने वास्ते बने है और 3 महीने च इन्ने एक काम करते जिहड़े पिछले मेरे ख्याल 8-10 साल होए नहीं बाकी पार्टियां दोष लाई जांदियां कहिंदा कांग्रेस दा कलेश आपस नहीं मुकदा कहिंदा होर दा की सुधारनगे नहीं कादा कलेश है जी 90 सीटां अज अनाउंस करतीयां 27 रह गईयां वह भी हो जाणियां कल परसों नूं कलेश कादा रह गया जी सीएम दा रौला नहीं सीएम दा कोई रौला नहीं तीन सीएम लाण नूं फिरदे नहीं 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 कोई इदां दी गल नहीं है जी सीएम तीन सीएम लाण दी कोई इहो जी गल नहीं हैगी बाकी हाई कमांड ने जो भी करना तो फैसला उन्होंने करना पर इदां दी कोई गल नहीं है कलेश कोई नहीं है किसी तरह दा डायरेक्टर जसवंत सिंह साडे नाल ने किवें देखदे हो अज बाबा जी कोल सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे ने किवें देखदे हो कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दा सुभाव धार्मिक स्थानां दे बहुत पहुंच रहे ने किवें दे देखदे हो कि सीएम इदां दा होना चाहीदा फिर चेहरा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह ये ट्रस्ट रतवाड़ा साहब एक धार्मिक अदारा है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का प्रचार ते प्रसार इत्थे हुंदा और ये जो ट्रस्ट है सब धर्मां वास्ते सांझा है सारी मनुखता वास्ते सांझा है इत्थे कोई भी बंदा आवे किसी भी मजहब का किसी भी धर्म का किसी भी जात का किसी भी गोत का किसी भी पोलीटिकल पार्टी का सब नूं असीं जिया कहने जिहड़ा फल है वह अपनी अपनी भावना अनुसार गुरु जी बख्शिश कर देने साढ़े ट्रस्ट के मुखी श्रीमान संत बाबा लखबीर सिंह जी दिन रात संसार च घूम के बाणी का प्रचार कर रहे ने ते इत्थे सारे पोलिटिकल बंदे आउंदे ने असी सब दा वेलकम करदे आ पर ये ट्रस्ट कदे भी किसी एक पार्टी दे नाल नहीं जुड़ के रहिंदा साडी संगत वालों असी किसी नूं नहीं कहिंदे वी वोट तुसीं इस पार्टी नूं पाओ महापुरशां दा उपदेश ये हुंदा भाई जिहड़े चंगे कैंडीडेट ने जिहड़े इलाके दा भला कर सकदे ने लोगों की गल सुनते हैं
जिन्हां दे तुहानूं कुछ आसां ने तुसीं उन्हां नूं चुणो, ये तुसीं देखना है भी किहनूं वोट पाउणी है। इस करके ये धर्म निरपक्ष साडा सिस्टम है, लोक भलाई का सिस्टम है। तो इत्थे वारी वारी सिर सारी श्रद्धा नाल आउंदे ने, जिहो जी किसी की अंदरली भावना होंदी है उहो जिहा उहनूं फल मिल जांदा है। तो ट्रस्ट ये निरपक्ष है, इत्थे अकाली भी आउंदे ने, आप वाले भी आउंदे ने, कांग्रेस दे भी आउंदे ने, किसान भी आउंदे ने, सारे आउण, सारिआं दा असीं स्वागत करदे हां। पर असी विशेष तौर पर किसी पार्टी किसी सिस्टम नाल नहीं जुड़े हुए, असी जुड़े हुए हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नाल। बस संगत नूं साडा यही हुंदा है भाई चंगे बंदियां नूं तुसीं वोट पाओ जिन्हां दे तुहानूं आस है, किसी लालच बस आ के किसी नशे या पैसे दे लालच आ के वोट कदी ना पाओ, तां कि अपना पंजाब जिहड़ा ना वह दो लीहां तो इधर उधर होया वह सही लाइन पर आवे और बच्चों नूं रुजगार मिले, नशे की खात्मा होवे ते ए सोने की चिड़ी सी सोने की चिड़ी मुड़ के बन जाए, ये साड़ी दिली कामना है। तो इस करके अज चन्नी साहब आए, कल कोई होर आउणगे, आउंदे जाने सारे दा असीं बहुत दिलों सत्कार करते हैं, जिहड़ा जिहड़ा भी आउंदा श्रद्धा लैके महाराज दी झोलियां भरदे ने। सो ये साडे ट्रस्ट वालों है। वाहिगुरू जी का खालसा। लैके पहला आए ने, हुण क्या लगता है कि सियासी स्टंट है या फिर बाकी कितने गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने वास्ते आए ने? देखो जी, सानू कोई सियासी स्टंट नहीं लगता, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਕਦਾ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ MLA MP ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।